नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कि हम अपना घर बनवाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक होते हैं। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं और वह वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बना हुआ, तो आप उस घर की व्यवस्था को तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा उससे आर्थिक का नुकसान तो होता ही होता है, साथ में साथ आपका समय भी व्यर्थ जाता है। क्योंकि जब आपका घर बन रहा होता है, वह समय तो गया, लेकिन घर जब बन जाने के बाद आपकी स्थिति सही ना होने पर, आपके घर में समस्याएं उत्पन्न होने पर, वह चीजें आप गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी रसोई व्यवस्थित ठीक नहीं है तो आप उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपके आसपास का जो भी है, बरामदा हो गया या फिर आपका स्टडी रूम जो बच्चों के लिए तैयार किया है, यदि वह भी अगर ठीक नहीं है तो आप उस चीज के लिए भी तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे आपका आर्थिक नुकसान होता है, यानी कि पैसे का नुकसान तो होता ही है, साथ के साथ आपकी जिंदगी में आने वाली सारी समस्याएं भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो आप बिल्कुल भी तोड़फोड़ ना करें। आप उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। नंबर एक, यदि आपने आगने हिस्से में रसोई बनवाई है, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। रसोई ना होने पर आप गैस रख सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप पीले कलर का बल्ब लगा सकते हैं, और पीले कलर का बल्ब आप हमेशा जलने दें। ऐसा करने से आपके घर में होने वाले वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, तो इससे आपके घर में आर्थिक का नुकसान नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी में आने वाले वह पल, यानी कि घर की उत्सुकता के चक्कर में आप वास्तु दोष का खास ख्याल नहीं रख पाए हैं, तो उसकी चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी कोई परेशानी ना आए, तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें, ताकि आप कोई भी तोड़फोड़ ना करें। बिना तोड़फोड़ के भी आप वास्तुशास्त्र को ठीक कर सकते हैं। तो आप पीले कलर का बल्ब लगाएं, और पीले कलर का बल्ब हमेशा जलने दें, और जला हुआ छोड़ने से आपके घर में वास्तुशास्त्र के होने वाली समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर दो, हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम अपना घर बनवाते हैं, तो उसकी छत का हिस्सा उस तरह से होना चाहिए जिससे आपके घर में वास्तु का कोई भी परेशानी ना आए। आप पूर्व दिशा को हमेशा ऊंचा रखें बाकी सारे हिस्सों के मुकाबले। यदि आप पूर्व दिशा के हिस्सों को ऊंचा रखते हैं, तो आपके घर में वास्तु की कमी नहीं होगी। अगर आपका पूर्व दिशा ऊंचा नहीं है, नीचा पड़ रहा है, तो इससे आपके घर में वास्तु की समस्या तो है। और यदि आपका पूर्व का हिस्सा नीचा है, तो आप उस चीज के लिए आप उपाय कर सकते हैं। उपाय है, यदि आप पूर्व दिशा में एक ठोस लंबा पाइप लोहे का लगा देते हैं, तो इससे आपके घर में वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी दिशा में एक हल्के कलर का, हल्का वजनदार ना हो, हल्के ही लोहे की चीज आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यदि आप दक्षिण और उत्तर दिशा में कोई भी भारी चीज रखते हैं, तो उससे भी आपके घर में वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यदि आपका पूर्वी हिस्सा नीचा पड़ रहा है, तो इसके लिए ये उपाय हैं। यदि आप करते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष दूर चला जाएगा। नंबर तीन, यदि आपके मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो उसके लिए सबसे अहम उपाय माना जाता है। क्योंकि दक्षिण दिशा में कभी भी वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य करने पर आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकता। यदि आपका घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। आप अपने दरवाजे को गहरे लाल कलर के रंग से पेंट कर सकते हैं, या फिर लाल कलर के पर्दे लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और साथ के साथ उसमें दिक्कतें होने वाली भी कोई बात नहीं है। आप दक्षिण दिशा में होने पर भी मुख्य द्वार आपके घर में सभी सहूलियत की प्राथमिकता देखी जाती है, क्योंकि वास्तु दोष को शांत करने का यही तरीका होता है। नंबर चार, यदि आपकी रसोई के बिल्कुल ठीक सामने आपका बाथरूम पड़ता है, तो इससे आपके घर में नकारात्मक चीजों का प्रभाव पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि नकारात्मक चीजें आपके घर से दूर रहें, तो आप रसोई घर के बीच में और बाथरूम के बीच में एक पर्दा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बाथरूम नजर नहीं आएगा और नकारात्मक चीजें आपके घर से दूर रहेंगे। सकारात्मक चीजों का आगमन होगा। ये उस दरवाजे के आसपास ही एक ऐसी चीज लगवा दे जिससे कि आपके बिल्कुल सामने बाथरूम दिखाई न दे। तो आप इन चीजों का खास ख्याल रखें, और इन चीजों के मुताबिक ही यदि आपके घर में वास्तु दोष आए, तो उन चीजों को दूर करने के लिए बिल्कुल भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आप उनके उपाय बिना तोड़फोड़े ही कर सकते हैं। आप पर्दा लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे नियम है, यदि आप उस दिशा में होने पर आप उन चीजों का खास ख्याल रखते हैं, तो उससे आपके घर में नकारात्मक चीजों का और वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं, या फिर दूर कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत देती हूँ।